ऑर्निथो फिली पढ़ते हैं, ऑर्निथो फिली होता है, ऑर्निस मतलब होता है बर्ड, ऑर्निथो फिली जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, या एलोगैमी बोलते हैं, एलोगैमी को भी क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जीनोगैमी जीनोगैमी को भी क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड, बर्ड द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग ऑर्निथो फिली बोलते हैं। ऑर्निथो फिली में हम लोग देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, उसके कौन कौन से बर्ड्स करते हैं, कौन से प्लांट ऑर्निथो फिली करते हैं। ऑर्निथोफिल फ्लावर सीक्रेट एबंडेंट वाटर एंड एडेबल पॉलन। जो इसमें फ्लावर्स होते हैं वो वाटर नेक्टर ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं, और एडेबल पॉलन होते हैं। वाटर नेक्टर इसलिए ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं, जो बर्ड्स होते हैं बर्ड वाटर नेक्टर को सक करती हैं, या फिर कोई कोई बर्ड्स जो होती हैं वो पॉलन को ईट करती हैं, उसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन होता है। फ्लावर जो होते हैं यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट कलर में तीन कलर हैं, रेड ऑरेंज येलो। ब्राइट कलर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को, बर्ड लॉन्ग डिस्टेंस से ही पता लगा लेती हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स है, जिसकी वजह से हेल्प मिल जाती है बर्ड पॉलिनेशन होने में। फ्लावर्स जो होते हैं यूजुअली ब्राइट कलर, तीन कलर, रेड ऑरेंज येलो। बर्ड्स हैव स्मॉल साइज लॉन्ग बीक। उन्होंने इसमें एग्जांपल देखे हैं होमिंग बर्ड्स की, जो होमिंग बर्ड्स होती है बिल्कुल छोटी होती हैं, सबसे छोटी बर्ड्स होमिंग बर्ड्स। होमिंग बर्ड जो होती है सबसे छोटी बर्ड है। कि जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत ही लंबी होती है। और ये फ्लावर हो गया, हम लोग देखते हैं इसमें फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स में लॉन्ग बीक होगी तो जो वाटरी नेक्टर होगा वो उड़ते वक्त भी ना वाटरी नेक्टर पॉइंटेड बीक से वो सक कर लेंगे, पॉलिन इडिबल हो जाएगा। होमिंग बर्ड्स हो गया, सन बर्ड हो गया, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं प्लांट। अब कौन कौन से प्लांट में बर्ड पॉलिनेशन होता है, तो बर्ड पॉलिनेशन बॉम्बक्स, जिसे रेड सिल्क कॉटन बोलते हैं, अग्रीब में होता है, लोबिला में होता है, लोबिला में होता है। तीन प्लांट्स है, बॉम्बक्स है, अगेब है, लोबिला है। बर्ड्स में देखें तो दो बर्ड्स हैं, हुमिंग बर्ड्स हैं, सन बर्ड्स हैं, हुमिंग बर्ड, सन बर्ड। और जो बर्ड की क्वालिटी होती है इसमें, वो उनके जो वो स्मॉल होते हैं, उनकी जो बीक होती है बीक लॉन्ग होती है। बर्ड ये इसमें फ्लावर जो होते हैं लाइट कलर के होते हैं, यूजुअली रेड रेड ऑरेंज येलो। जो फ्लावर्स होते हैं वाटर, जब वाटर नेक्टर जो रिवार्ड प्रोवाइड कराते हैं कि बर्ड्स आके सक करेंगी, तो वाटरी नेक्टर इनमें ज़्यादा होता है, वाटर नेक्टर ज़्यादा होता है। वाटर नेक्टर की वजह से बर्ड्स आती हैं और वाटर नेक्टर सक करते हुए पॉलन ग्रेन उनके बॉडी पर चिपक जाता है। दूसरी जगह जब वो बर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टिग्मा पर जाती हैं, स्टिग्मा से वहाँ से पॉलिनेशन होता है। ये है ऑर्निथोफिलस बर्ड्स पॉलिनेशन होता है। वाटर नेक्टर ज़्यादा होता है, एडिबल पॉलिन होती है, ब्राइट कलर की होती है, रेड ऑरेंज येलो, स्मॉल साइज की होती है, लॉन्ग बीक होती है। हुमिंग बर्ड, सन बर्ड। प्लांट्स में देखा जाए तो कौन से प्लांट, बॉम्बॉक्स हो गया, अगेव हो गया, लोबिला हो गया। हम लोग देखेंगे आगे कायरेप्टरोफिली, स्नेल द्वारा पॉलिनेशन।